नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित पे। मैं हूं प्रभाष मिश्रा, आज आगे मैं फिर से एक नया वीडियो लेके। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्राडे कॉल्स की, डिलीवरी स्टॉक्स की। तो बैक टू बैक हम लोग स्टॉक प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी और अपने जीरोधा क्लाइंट्स को भी। तो आपको इस तरीके की कॉल्स चाहिए तो वीडियो के नीचे आपको क्या करना है, केवल कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है और जीरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जीरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम लोग आपको बैक टू बैक डिलीवरी और इंट्राडे की कॉल्स प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला सस्पेंस बना हुआ था, हम लोगों ने बताया था कि जैसे डिविडेंड की डेट पास आएगी स्टॉक गिरेगा। तो बहुत लोगों ने, दो तीन लोगों ने कमेंट किया था, अरे सर ये बहुत ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा। और उसी के बाद 350-55 के बाद डिब्बा गोल हो गया और स्टॉक नीचे हो गया। चलिए इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या करनी है और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की एक्स डेट क्या है डिविडेंड की, ये भी मैं समझा देता हूं। तो सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो कंपनी ने बोला है कि 15 फरवरी तक जिन लोगों के नाम, जिन लोगों के पास स्टॉक के नाम उनके पास रहेंगे, यानी कि आज अगर आपके पास स्टॉक है डिलीवरी में तो क्या हो जाएगा, आपका नाम डिविडेंड की लिस्ट में जोड़ लिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि आज जिस लोग का भी नाम रहा होगा तो उनको डिविडेंड मिलना तय है। डिविडेंड की डेट आपकी बताई गई है 15 मार्च से पहले पहले आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। अब बात करते हैं गिरावट क्यों आ रही है। तो देखिएगा, हमने बताया था कि जब स्टॉक में क्या हो जाएगा, जैसे जैसे डिविडेंड की डेट पास आएगी तो क्या हो जाएगा, स्टॉक में लोग क्या करते हैं डिविडेंड पाने के लिए स्टॉक में क्या करेंगे, डिलीवरी करेंगे, मतलब क्या करेंगे, मतलब क्या डिविडेंड के लिए स्टॉक ऊपर जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही डेट नीचे आएगी या फिर पास आएगी तो वहां पे स्टॉक को बेच के लोग निकल जाएंगे। तो सेम ऐसा ही होता है, आपको पता होगा कि डिविडेंड के साथ मैक्सिमली केसेस में ये होता है कि लोग अपने एक्स डेट से पहले स्टॉक को उठा लेते हैं और उसके बाद इसमें सेलिंग देखने को मिलती है। अब जो लोग 350 के लेवल पे, 340 के लेवल पे, 330 के लेवल पे फंसे हुए, उन्हें करना क्या है, तो उन्हें अब कुछ भी नहीं करना है। अगर उन्हें डिलीवरी मार भी दी है तो उन्हें थोड़ा सा पेशेंस करके होल्ड करना है। होल्ड क्या करना है कि ये स्टॉक फिर से आएगा बट अभी टाइम लगेगा, मतलब नेक्स्ट सेशंस में स्टॉक्स फिर से क्या होगा 350 का लेवल्स दिखा सकता है, मोमेंटम्स अच्छे आ सकते हैं। बट अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको 315 का लेवल बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि 315 के बाद नेक्स्ट लेवल आएगा 305 और उसके बाद आएगा 295। तो अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको इन लेवल्स को पकड़ के चलना है, 340 350 के लेवल्स के लिए ट्रेडिंग करनी है जब तक ये 315 का लेवल नहीं तोड़ता है। मंडे को मार्केट अगर अच्छी तरीके से ग्रीन में रहती है तो इस स्टॉक में भी आपको अपर मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और अभी के लिए आपको होल्ड करना है, इंट्राडे के मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं और डिविडेंड से रिलेटेड भी आपको न्यूज पूरी आपको क्लियरिफाई हो गई होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।